हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो आइए देखिए हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी डेली हमारी घूमी घूमी हो रही है, क्योंकि मेरे भाई आए हुए हैं जम्मू से, पंजाब से सॉरी। तो उनके साथ हम घूमने के लिए डेली निकल जाते हैं। तो आज पहना है मैंने अपने हस्बैंड की पसंद का ड्रेस, और आप सब बताइएगा कमेंट्स में कि मुझे कैसे लगा ड्रेस, ये उन्होंने मुझे दिलाया है। तो आइए दिखाती हूँ, सभी हो चुके हैं रेडी। तो मैं आपको जहाँ जहाँ जाएंगे घूमने के लिए आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आज तो हम बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं आप सबको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलो दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कन्हैया हो गया रेडी। कन्हैया हाय करो, मेरा लाडू हाय करता है सबको। ये एक लाडू तैयार हो गया है अपनी बुजी के साथ घूमने के लिए। गाइज इनका लुक देखिए, मेरी भाभी जान का। ये देखिए शर्मा रही है, भाग गई अंदर। और मुन्ने ने चढ़ाया हुआ मुंह, मुन्ना गुस्से में है। और कन्हैया बहुत माय लुक, ये कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। अभी मेरे बाल खुले छोड़े हैं, क्योंकि मैंने धोए हैं। अब थोड़ी देर के बाद में मैं झूला बना लूंगी। ये दोनों देखो, इसका बड़ी शर्म आ रही है, भाभी को बहुत शर्म आ रही है। ये मेरा भाई नहीं शर्माता। हाँ जी, ये देखो फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, रामू जी फिल्म सिटी। कितना एकड़ में बहुत बढ़िया। अभी हम घूमेंगे फिरेंगे, फिर आप सबको शूट कर करके दिखाएंगे। एक एक कैप ले ली, लेकिन मैं नहीं पहनूंगी कैप, मुझे अच्छा लगता है। धूप है, लेना पड़ेगा। धूप का है, मुझे अच्छा लगता है। राम जी की है, राम जी की नहीं। के लिए जाने के लिए अंदर बसें लगी हुई है, अभी हम इसमें चढ़े। मूवी मैजिक ये देखो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कितना अच्छा नजारा है, वाह ब्यूटीफुल। ठीक है, वीडियो भी चल रही है। कन्हैया क्या कर रहा है, वीडियो के साथ ही जाते हैं ना, हो गया। तो ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि हम लोग स्पेस में अंदर जा रहे हैं। अभी बाहर आ चुके हैं हम लोग, तो
देखिए यहाँ शॉपिंग करने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मॉल थे अंदर, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ब्यूटीफुल, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये देखिए इधर कितने अच्छे अच्छे हैं बुद्धा जी के स्टैचू। ये देखिए फ्लावर्स, ये टॉय बच्चों के खेलने के लिए, ड्रेसेस, बहुत ही अच्छा अच्छा सामान था यहाँ पर अंदर। आप कुछ भी ख़रीद सकते थे जो आपको अच्छा लगे। हमने भी काफ़ी कुछ ख़रीदा। ये देखिए, ये मैं हूँ वीडियो शूट कर रही हूँ, और चल रहे हैं सभी और लड्डू में। वाओ ब्यूटीफुल। हाय कन्हैया, चलो 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 बाबू, चलो चलो बाबू, भागो 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 भागो। ये देखिए फिल्म सिटी। ये देखिए अभी तो बहुत बड़ी है लेकिन असली है। देखिए अभी हम दूसरी जगह पहुंच चुके हैं जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, देखने के लिए। और मेरा भाई हाथ लगा के देख रहा है कि ये सीमेंट का है या ऐसे ही बनाया हुआ है, लेकिन ये सीमेंट के नहीं बने हुए थे, पता नहीं क्या बोलते हैं उसके बने हुए थे। और चलो अंदर, ये देखिए अभी हम अंदर जा रहे हैं। मेरी भाभी बोल रही है आप चलो अंदर, मैं थक गई हूँ, आती हूँ थोड़ी देर के बाद में। और मेरा भाई बोल रहा है कि ये बाहुबली का सेट है, तो हमने कहा ये बाहुबली का नहीं है सेट, ये किसी और चीज़ का सेट है। ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पिक्स खिंचाने के लिए खड़े हो गए हैं और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मुन्ना, और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ बना हुआ सब कुछ देखने के लिए। तो ये अभी मैं एक साइड में खड़ी हो गई हूँ, ऊपर देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ऊपर जाओ देख उधर जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम यही खड़े होके पिक्स खिंचवा रहे थे, मैं मेरी भाभी, ये मेरा भाई और मुन्ना एंजॉय कर रहे हैं। मुन्ना एंजॉय कर रहा है मामू के साथ, खुश हो रहा है। कन्हैया बोल रहा है कि मुझे इसके ऊपर बिठाओ, ये देखो उसको उसके ऊपर बिठा रहे हैं अभी। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे महल लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। वही वो लोग बता रहे थे फिल्म शूटिंग वाले कि ये आप लोग हमारे सामने देखते देखते उन्होंने एक पिक्चर भी बनाई और फोटो और दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी कि कैसे नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि कैसे पिक्चरें बनती हैं। ये देखो भाभी और कन्हैया पिक्स खिंचवा रहे हैं। और ये अभी मैं बाहर जाने की तैयारी में हूँ दूसरी जगह देखने के लिए। ये देखिए मेरे भाई को ये रावण के मुंह के अंदर उसने मुंह डाल दिया है और हंस रहा है उसको देख के। और कन्हैया बहुत खुश हो रहा है देख के अपने पापा को, हंस रहा है वो भी देख के इसके अंदर। ये देखिए मुंह डाला हुआ है उसके अंदर, मुंह रखा हुआ है। सभी लोग आ रहे थे ऐसे पिक्स खिंचवा रहे थे, हम लोग कन्हैया को खुश करने के लिए। मेरा भाई ऐसे कर रहा था, कन्हैया बहुत हंस रहा था, खुश हो रहा था। तो ये देखिए ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी रंगोली बनाई हुई है। ये देखिए वाह कितनी अच्छी रंगोली है, ये देखिए इसका अच्छे से दे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कितनी लुक आ रही है इस महल की, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए अच्छा कितना बड़ा हॉल, फोटो खराब नहीं कर, और सितार है कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं। मेरी वीडियो बनाना, चलो चलो चलो। ये देखिए हम सभी आ गए इसके पास में, अभी मेरा भाई और मुन्ना आ गए। ये देखो बजा रहे हैं इसको जोर जोर से, और कन्हैया सबसे पहले। ये देखो मेरे अकेले की फोटो, ये देखिए अभी ये बोल रहा है कि मेरे को ऊपर खड़े करो और मैं ऊपर खड़े होकर बजाऊंगा, क्योंकि नीचे से पहुंच नहीं रहा था ऊपर। इतना तो बड़ा है, कितनी अच्छी अच्छी कुछ इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी वहाँ, देख के मन खुश हो रहा था। देखिए कितना अच्छा अच्छा है सब कुछ अंदर। ये देखिए मैं बाहुबली वाले रथ पे बैठ चुकी हूँ। ये देखिए मेरा भाई बोल रहा था दीदी तो बिल्कुल क्या कहते हैं महारानी के जैसे लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये भी देखिए एक जगह है, बस फिल्म सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग थक रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो बसें लगी हुई हैं,
जाने के लिए अंदर, और बसें भी इतनी अच्छी हैं कि बहुत ही अच्छी हैं। तो कोई बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, कितना घूमे एक दिन में आप पूरी नहीं घूम सकते हो। ये देखिए ट्रेन बच्चों के खेलने के लिए, घूमने के लिए। इसमें हमने कन्हैया को बिठाया था, कन्हैया हमारा घूम रहा था इस ट्रेन में। तो अभी पता नहीं, अभी तो नहीं है इसमें, जब मैंने दूसरी में भी वीडियो बाद में उसने देखा ना, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो बोल रहा था कि मुझे देखा, वो देख रहा है उधर से कि मैं भी बैठूंगा। तो बाद में उसको बिठाया था हमने ट्रेन में। तो बहुत अच्छी ट्रेन लग रही है, ये देखो कितना प्यारी लग रही है उसको। ये देखो कन्हैया बैठ गया अभी ट्रेन में, देख रहा है भूत जी की तरफ, बाय कर रहा है मुझे देख देख के बाय। ये देखिए हम लोग हिंदुस्तान में पहुँच चुके हैं, और यहाँ बहुत बड़ी फिल्म सिटी है और जगहों के नाम अलग अलग रखे हुए हैं। तो ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए इसके अंदर है बहुत सारे खिलौने, और हमने भी खूब इंजॉय किया बच्चों के साथ में, कन्हैया के साथ में अंदर, कन्हैया और मुन्ने के साथ में, जो भी पेरेंट्स आ रहे थे अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। वहाँ से मैं पहुँच चुकी हूँ सीधा लंदन, ये देखिए 10 मिनट में लंदन पहुंच चुकी हूं मैं। ना कोई एरोप्लेन, ना कोई जहाज, सीधा बस में बैठ के सीधा लंदन पहुंच चुकी हूं। ये देखिए और लंदन के हाउस देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं, ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा यहां साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, मन खुश हो गया देख के। तो ये देखिए मैं आगे आगे चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। ये देखिए मैं बैठ गई और कन्हैया मेरे पास भाग के आ गया, ये देखिए ये भी बैठ गया मेरे पास आके। और फिर हस्बैंड बोले कि उठो चलो, बैठना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, फिल्म सिटी बहुत बड़ी थी देखने के लिए, एक दिन में तो पूरी नहीं देखी जा सकती, तो दो दिन लगते हैं देखने के लिए इसको। तो इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर पौधे लगाए हुए थे और इतनी साफ़ सफाई है बच्चों के घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करने के लिए। देखिए अंदर गाड़ियाँ और भी बहुत कुछ कुछ था यहाँ अंदर, देखने में अच्छा लग रहा था। ये देखिए एक बरगद का पेड़ है, और ये देखिए इसके साथ कितने अच्छे फ्लावर के पौधे लटकाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे। ये देखिए इनको देख के मेरे को भी कुछ आइडिया मिल गए। तो ये पास में पत्थर थे बहुत बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए वहाँ से मैं सीधा पहुँच गई फ्लाइट में एरोप्लेन में। अभी मैं और कन्हैया एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं सीधा बाहुबली सेट देखने के लिए। ब्यूटीफुल, और ये देखिए पहुँच गए हम सीधा वहाँ। ये देखिए कितना अच्छा प्लेस है, देखिए ब्यूटीफुल, देखिए ऊपर से हम काफ़ी दूर ऊपर चढ़े हुए थे, तो वहाँ से ये देखिए नीचे मैं शूट कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए बाहुबली का एक छोटा सा सेट, ये देखिए ये पूरा इसमें दिखाया हुआ है कि बाहुबली के कैसा था, कैसा पूरा सेट दिखाया हुआ बाहुबली का। मैंने इसको शूट कर लिया, शूट करने के बाद मैं ये देखिए बाहुबली का बड़ा वाला सेट, ये देखिए इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये कन्हैया आगे का चला हुआ है, देखिए ये इसका गेट है, और गेट के अंदर ये हाथी, ये देखिए इतने प्यारे हाथी हैं ये दोनों, देखिए वाओ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने के लिए, देखिए बहुत ही अच्छे हाथी। और देखिए आगे देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हैं अंदर, पूरा बाहुबली का सेट तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। और देख रहे थे यहाँ पत्ते वत्ते गिरे हुए थे, फिर से पकड़ो, यहाँ पत्ते वत्ते गिरे हुए थे। ये देखिए मुन्नार भैंस के अंदर से देख रहे थे, ये दूरबीन, और जो जो एक्टिविटी हीरो ने उसके अंदर की हुई थी उसकी पिक्स भी साथ में लगी हुई थी। ये देखिए बगल में ये देख रहा था ना, ये देखिए पिक्स वगैरह लगी हुई थी, ये देखिए। और मैं मुन्ना से पूछ रही थी कि मुन्ना ये देखिए इस तरफ भी कितना कुछ है देखने, ये बहुत बड़ा सेट था बाहुबली का।
इधर पत्ते पुत्ते, ये देखिए हॉर्स, तीन इधर और तीन उधर, ये देखिए कैसे उन्होंने लेग्स वगैरह उठाई हुई अपनी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखिए देवसेना, और ये है इसकी बेड़ियां, जिस बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, बहुत भारी थी बेड़ियां, मैंने उठा के एक बार चेक की थी, बहुत भारी थी ये बेड़ियां। ये देवसेना, ये देखिए देवसेना सच में ऐसी लग रही है खड़ी है। ये देखिए बाहुबली, क्योंकि इसकी हाइट बहुत बड़ी थी इसलिए ऐसा कर दिया। तो ये देखिए बाहुबली जी के सेट के नेक्स्ट पार्ट, देखिए ब्यूटी, बड़े बड़े हॉर्स कन्हैया, ये देखो कैसे देख रहा है इधर, बड़े मजे से देख रहा है कन्हैया हमारा। रवि में पहुंच चुकी हूँ दूसरे घाट में, यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, इसका नाम ये देखिए स्नो बर्ड पार्क, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ देख के। ये देखिए कितना अच्छा, वो देखिए उधर का व्यू है, ब्यूटीफुल, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ ठंडक भी पड़ रही थी बाहर, बीच बीच में गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी सभी धीरे धीरे चल रहे थे, मैं पहले पहुँच चुकी थी यहाँ पर, हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। ये देखिए ऊपर से पानी कैसे आ रहा है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए सभी लोग ऐसे देख रहे थे, पूछी थी एक भैया से गाइड से, पूछी थी क्या है क्या नहीं है, क्या तो बता रहे थे कि मैडम यहाँ पर ये होता है ये होता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था सब देखने के लिए, ऊपर से भी मैंने पूरी वीडियो शूट की जितनी मेरे से हो सकी, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा फिल्म सिटी देख के। मैं बैठ गई थोड़ी देर, सोचा रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठ के, टिकी आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, डर लैक्स होकर बैठ जाती हूँ अच्छे से। ये देखिए बैठ गई ना, और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वहाँ से चल पड़े। ये देखिए दूसरी बस से अभी नीचे उतर चुके हैं, ये अभी दूसरे प्लेस पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दरबार शुरू होता है, यहाँ पर देखिए अभी खुद ही आप अंदर जाके आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या है क्या नहीं है। ये देखिए भगवान जी के पिक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहले, ये देखिए राजा दशरथ, सभी राजाओं के फोटो थे, राजाओं महाराजाओं के सबके पिक्स लगे हुए थे, स्टैचू लगे हुए थे, बने हुए थे यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल, देखिए कितने अच्छे लगे। ये देखिए राम लक्ष्मण सबके लगे हुए थे पिक्स यहाँ पर, बीच बीच में पिक्स थे, बीच बीच में स्टैचू बनाए हुए थे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए माँ सीता, हनुमान जी, ये देखिए लक्ष्मण राम जी के, और अंदर जाके आपको दरबार दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा महल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, मन तृप्त हो गया एकदम से, खुश हो गया देख के। ये देखिए ये सब कुछ मेरे हस्बैंड की बदौलत है, ये उनकी, वो मेरी ज़िंदगी में आए और इतना अच्छा सब कुछ हमें देखने को मिला। पता नहीं कौन से जन्म में मैंने मोती दान किए थे कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। जो ये देखिए मेरी ज़्यादातर सभी वीडियो जितनी भी शूट की मेरे हस्बैंड ने शूट की मेरी वीडियो, बोलते कोई बात नहीं आप देखो सब कुछ इंजॉय करो, मैं आपकी वीडियो शूट करता हूँ, उनको पता है कि मुझे शौक़ है सब कुछ ये करने का। ये देखिए दरबार लगा हुआ है,
भगवान जी का, यहाँ कृष्ण भगवान जी का दरबार लगा हुआ है। इस दरबार में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि आप सबको वही लड़ाई बड़ाई जो हुई थी महाभारत में उसके बारे में बता रहे हैं। तो लाइन में लगे हुए थे, इतना कहाँ सुन पा रहे थे, चलते चलते सुना मैंने थोड़ा सा। ये देखिए तो स्टैच्यू, लेकिन ऐसे लग रहा था कि सच में बैठे हुए हैं। देखिए हम बस में बैठ चुके हैं और मुन्ना खा रहा है स्वीट कॉर्न। और फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, सभी देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। लेकिन प्लीज़ अच्छी लगे तब भी लाइक कीजिए, अगर ना लगे तब भी लाइक कीजिए। और जो न्यू है, फर्स्ट बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं इसलिए पहले बोल रही हूँ, सभी देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लाइक तो करना बनता है।